डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आ लेटर टू गॉड कि आज हम पहले समरी और रिवीजन नोट्स करेंगे। लेंचोस होप ऑफ गुड रेन टू हैव ए गुड क्रॉप, इट रेन्स बट द रेन सून चेंज इन टू हेलस्टॉन्स। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। Lencho asked God to send him 100 pesos. Postmaster and other employee laughed at Lencho's letter to God. बच्चों, इसमें क्या है? Lencho hope of good rain to have a good crop. Lencho को बहुत उम्मीद थी कि अच्छी वर्षा होगी जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। It rains but the rain soon change into hailstones. बारिश होती है लेकिन जल्दी किस में बदल जाती है? ओलों में, ओले शुरू हो जाते हैं गिरने। Lencho had firm faith in God. लेंचो को ईश्वर में बहुत विश्वास था। लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, वह ईश्वर को पत्र लिखता है कि उसकी हेल्प करें। लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, वह ईश्वर से कहता है कि मुझे 100 पीसोस भेज दो ताकि मैं और मेरी फैमिली सर्वाइव कर सकें। पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज लाफ्ड एट लेंचो लेटर टू गॉड। पोस्ट मास्टर और जो दूसरे एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस में, वो सब जब देखते हैं लेंचो का ईश्वर को लिखा पत्र तो हंसते हैं। पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो इन हिज प्रॉब्लम्स, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो डिसाइड करता है, निश्चय करता है कि लेंचो की मदद उसकी समस्या में करेगा, कि जो समस्या खड़ी हुई लेंचो को उसमें उसकी मदद करेगा। पोस्ट मास्टर वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू हेल्प इन हिज नोबल डीड, वह चाहता है कि हर एक की इस नोबल डीड में मदद हो। पोस्ट मास्टर कलेक्ट 70 पीसोस, वह 70 पीसोस इकट्ठे करता है एंड गिव्स द एनवेलप टू लेंचो हिमसेल्फ, और अपने आप वो जो लेटर है जाके लेंचो को देता है। लेंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 पीसोस अमाउंट एज ही आस्क फॉर 100 पीसोस, लेकिन जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कितने पीसोस मिलते हैं? 70, जबकि उसने कितने के लिए कहा था? 70 पीसोस के लिए। लेंचो कॉल्स द एम्प्लॉई ऑफ पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो उनको क्या कहता है? सबको ठगों का दल या समूह। एज ही थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ अमाउंट, वो सोचता है कि जो बचा हुआ पैसा था ना 30 पीसोस, कि वो उन्होंने चोरी कर लिया जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, वो अगला पत्र लिखता है कि जिसमें वो लिखता है कि वो पैसा उसे ना भेजा जाए। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले पैसा रख लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. पूरी वैली में अकेला घर था और वहाँ से चाहे वो नदी हो चाहे कौन से भरे हुए खेत हो, सब दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि अच्छी फसल होगी। The only thing on earth needed was a downpour or at least a shower. जो अकेली चीज जिसकी जरूरत थी वो क्या थी? हल्की बूंदाबांदी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो पूरे सुबह से ही बैठ गया था टकटकी लगा के कि अच्छी बारिश हो। पहला क्वेश्चन है इसमें, Where was Lencho's house? Lencho house कहाँ था? Lencho's house was एट द टॉप ऑफ ए हिल। वट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाउस, उससे घर से क्या क्या दिखाई देता था? नदी, खेत, फसल, सब दिखाई दे रहे थे ना। वन कुड सी द रिवर, द फील्ड्स विद राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स फ्रॉम द हाइट ऑफ हिज हाउस वेयर सिचुएटेड। डिड द रेनफॉल फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशन? नो, अलोंग विद रेन एवरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल विच डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स आए जिसने उसकी फसल नष्ट कर दी। वाई डिड लेंचो सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट? लेंचो कॉन्स्टेंटली सा द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एक्सपेक्टिंग सम साइन ऑफ रेन, उसे लग रहा था कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। पैसेज टू। बच्चों, अच्छा ये होगा पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसको पैसेज पढ़ें तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएंगे। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to
हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेंज ऑफ हिज बॉडी एंड वेन द ही रिटर्न ही एक्सप्लेन देयर आर नॉट रेन स्पॉट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू क्वाइंस द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड 10 लिटिल वंस आर फाइव्स। उसने क्या कहा जब बाहर से आया, तो कह रहा है अरे वास्तव में बारिश नहीं है, तो जो बड़ी बूंदे हैं 10 पैसे और जो छोटी बूंदे 5 पैसे के बराबर है। वट हैपन ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील वट कुड वन सी इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से क्या देखा जा सकता था, वन कुड सी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ स्नो अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द प्लीजेंट रेन टर्न इन टू डिवलिश वन फॉर लेंचो द रेन अकॉम्पनीड वेरी लार्ज हेलस्टोन विच प्रूव टू बी डिवलिश फॉर लेंचो। वट इज द मूड ऑफ द नरेटर इन दिस पैसेज। द नरेटर इन दिस पैसेज हैप्पी टू सी द रेनफॉल। वट इज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्रेटेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉन विद इट्स फ्लावर्स डैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अगेन अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। दिस ट्यूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो वॉज सेटिस्फाइड एज दिस स्टार्टेड रेनिंग हेविली ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स कवर्ड विद रेन। वॉट हैपन्ड ऑल ऑफ ए सडन। अचानक क्या हुआ, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन एवरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। वाई डिड दे ट्रूली रिसेंबल, किससे मिल रहे थे, द लार्ज हेलस्टोन रिसेंबल्ड न्यू सिल्वर क्वाइंस। वट टू द फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू हेयर, हेयर फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू द हेलस्टोन्स। पैसेज फोर, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेनिंग द मैन आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हेल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज विद वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। क्वेश्चन वन, वट वॉज गेटिंग बैड फॉर लेंचो, द फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन्स वॉज गेटिंग बैड फॉर लेंचो। वट डिड लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो एक्सपेक्टेड दैट द फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन वुड स्टॉप सून। डिड इट हैपन एज ही एक्सपेक्टेड, नो ही एक्सपेक्टेड दैट द फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन वुड स्टॉप सून, ऑन द कॉन्ट्रेरी द हेल रेन फॉर एंड आवर। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत देर तक होती रही जो ओलों की बारिश थी, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। वट वर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ हेलस्टोन ऑन द क्रॉप्स, द फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन टोटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। MCQ, बच्चों इस बार बहुत से प्रश्न आने वाले हैं MCQ से, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। वेयर वर लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था, ABCD, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप इन ए प्लेट्यू इन ए सिटी, टॉप ऑफ ए हिल बी। What was the only thing that the earth needed according to Lencho? A shower, a snowfall, strong wind, sunlight. A shower. Where did Lencho accept the downpour to come? North, northeast, northwest, southeast, northeast. Where did Lencho compare the large raindrops with? Silver coins, pearls, diamond, new coins. New coins. What destroyed Lencho's field? Heavy rainfall, hailstorms, landslide, flood, hailstorms. Lencho compared the quantum of damage with attacks by rats, attack by crows, plague of locusts, none of the above. Plague of locusts. How did Lencho decide to connect the last resort? By visiting them personally, throw a letter, throw email, throw fax, throw a letter. How much money did Lencho ask for? Lencho asked for 100 pesos. What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? Laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened, felt empathetic, laughed wholeheartedly. Who is the author of the lesson, A Letter to God?
ए जी एल फ्लिंटेस. व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? मनी रिमेनिंग अबाउट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, रिमेनिंग अबाउट एंड सेंड इट बाय मेल. ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग. रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल. व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड. बंच ऑफ क्रूक्स. हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिवाइड, एंग्री. एंग्री. ही फील वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, बोथ ए एंड बी. बच्चों यहाँ पे दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट है, नेचर और आदमी के बीच में, इंसान और इंसान के बीच में. तो ए और बी. आंसर डी. व्हाई डी पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? उसने क्यों निर्णय किया उसके पे जो लेटर था उसका रिप्लाई करने का? ही वॉज ए गुड फेलो, ही फेल्ट एम्पैथेटिक टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड. ऑल ऑफ द अबव. अगर बच्चों आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. अगले चैप्टर में हम लेसन 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे.